लोटस आयुर्वेद इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे, क्या डायबिटीज से बचने के लिए डीएनए टेस्ट करवाना जरूरी है? तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूंगा, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। डायबिटीज़ की वजह से किडनी की बीमारी, आंखों की खराबी और हार्ट की बीमारी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। एक बार किसी को टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाने पर उसे डायबिटीज से मुक्त नहीं कराया जा सकता है। इसलिए इसके लिए पूर्व में ही डायबिटीज़ होने के लक्षण के बारे में सतर्क रहना सबसे बेहतर है। डीएनए आधारित ये परीक्षण डायबिटीज पर एक रिपोर्ट बनाता है जो अनुवंशिक और लाइफस्टाइल के कारण होने वाले खतरे के बारे में बताता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इतना खर्च करके डायबिटीज के बारे में पूर्व में जानने का ये तरीका ठीक है? लोकप्रिय डीएनए परीक्षण कंपनी 23andMe ने घोषणा की है कि $199 खर्च करके आप डायबिटीज होने के खतरे के बारे में पहले से जान सकते हैं। डीएनए आधारित ये परीक्षण डायबिटीज पर एक रिपोर्ट बनाता है जो आनुवंशिक और लाइफस्टाइल के कारण होने वाले खतरे के बारे में बताता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इतना खर्च करके डायबिटीज के बारे में पूर्व में जानने का तरीका ठीक है? डायबिटीज की बीमारी हाल के वर्षों में सबसे ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना रही है। डायबिटीज की वजह से किडनी की बीमारी, आंखों की खराबी और हार्ट की बीमारी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। एक बार किसी को टाइप 2 डायबिटीज हो जाने पर उसे डायबिटीज से मुक्त नहीं कराया जा सकता है। इसलिए इसके लिए पूर्व में ही डायबिटीज होने के लक्षण के बारे में सतर्क रहना सबसे बेहतर होता है। 4 तरीके जो कंट्रोल कर सकते हैं डायबिटीज टाइप 2 को। डायबिटीज और प्री डायबिटिक प्रीबायोटिक। टाइप 2 डायबिटीज का शिकार होने से बेहतर है कि इसे पहले ही रोकने की कोशिश की जाए। डायबिटीज की बीमारी पहले अपने संकेतों से बताती है कि आप डायबिटीज के शिकार हो सकते हैं। डायबिटीज के पहले ही स्थिति को प्रीबायोटिक के नाम से जाना जाता है। कोई भी इंसान प्रीबायोटिक की स्थिति में अगर आ जाता है तो उसे 10 सालों के अंदर डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है। डायबिटीज का खतरा और डायबिटीज के लक्षण। डायबिटीज की समस्या को पहले जानने के लिए 23andMe कंपनी का मेगा टेस्ट करवाना ही एकमात्र तरीका है। मेरा ऐसा मानना है, डायबिटीज की समस्या को पहले से जानने के लिए और भी कई तरीके हैं जो बहुत ही सस्ते और आसान भी हैं। तो आइए जानते हैं डायबिटीज का खतरा सबसे ज्यादा किन लोगों को होता है। मोटापा या अधिक वजन वाले इंसान सबसे ज्यादा डायबिटीज के खतरे में होते हैं। डायबिटिक इतिहास वाले परिवार से अगर आप आते हैं तो आपको डायबिटीज की संभावना सबसे ज्यादा होती है। 45 वर्ष से अधिक की आयु में डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है, खासकर उन लोगों में जो कि तरह तरह की दवाइयों का उपयोग करते हैं। एंटीसाइकोटिक या डिप्रेशन दवा लेने से भी डायबिटीज का खतरा ज्यादा होता है। डायबिटीज के मरीजों के लिए लाइफस्टाइल की 5 आवश्यक बातें जानना जरूरी है। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या वालों में भी डायबिटीज की संभावना बहुत ज्यादा होती है। खराब कोलेस्ट्रॉल अधिक होने पर भी डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है। उन महिलाओं को भी डायबिटीज होने का खतरा ज्यादा होता है जिनका प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड शुगर बढ़ जाता है।
उन लोगों में भी डायबिटीज का खतरा ज्यादा होता है जिनका हमेशा ब्लड शुगर कम और ज्यादा रहता है। जब डायबिटीज के पर्याप्त लक्षण और उसे पहचानने के लिए कई सस्ते टेस्ट उपलब्ध हैं, तो 23andMe के डीएनए टेस्ट की क्या जरूरत है? अभी यह स्पष्ट नहीं है कि अगर आपका ब्लड शुगर अधिक बढ़ रहा है तो आप आसानी से डायबिटीज के लक्षण को जान सकते हैं। हमेशा थकान और बार बार प्यास लगना और धुंधला दिखना डायबिटीज होने के पहले के प्रमुख लक्षण हैं। अगर ये लक्षण आप में दिखते हैं तो आप सस्ते ब्लड शुगर और यूरिन शुगर के टेस्ट से डायबिटीज को पहचान सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।